एक कथा ऐसी है हमारे पुष्टि मार्ग में, बल्लव संप्रदाय में, वैष्णवों की वार्ता में कथा आती है कि एक वैष्णव था, उसको तीर्थ यात्रा पे जाना था, तो उसने दूसरे को, उसकी जो वैष्णव थी उसके यहाँ उसने कहा कि भैया, बोले मैया एक काम करो, मैं ब्रज यात्रा के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे ठाकुर जी की सेवा करो उतने दिन। वैष्णव तो वैष्णव, वैष्णव जन तो ते ने कहिए जे पीर पराए जानी रे, वैष्णव जन तो ते ने कहिए जे पीर पराए जानी रे, वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो इने कहिए जे पीर पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोहे, मन अभिमान पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कहिए। वैष्णव, वैष्णव कौन? नरसिंह मेहता ने ये बात लिखी है, वैष्णव कौन जो पीर पराई जानी, पर दुखे, किसने आपको दुख दिया, कष्ट दिया, तो ये नहीं कि हम भी जाकर के उसे दुख दे, कष्ट दे, पर दुखे उपकार करे तो ये। वो उसने दुख दिया, वो उसका स्वभाव है, क्या हम भी उसके स्वभाव जैसे बन जाएं क्या? यदि किसने आपको गाली दी और आपने भी उसे गाली दी, तो आपका स्तर भी उसके स्तर पे आगे खड़ा हो गया क्या? आप कितने नीचे उतर गए? सामने वाला नीचे खड़ा है तो आप भी नीचे उतर गए? नहीं, आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो आपके जो स्तर है, आपको वही मेंटेन करना है। पर दूसरा गाली दे रहा है तो ठीक, उसका स्वभाव है, हमारा थोड़ी, हमको नहीं बदलना चाहिए। कितनी अजीब बात है कि हम बुरे के संग बुरे बन जाते हैं किंतु अच्छे के संग अच्छे नहीं बन पाते। बहुत प्रैक्टिकल बात है, देखिएगा आप लोग अपने घर जाकर सोचिएगा, बुरे के संग बुरे बनने को तैयार, पर अच्छे के संग अच्छे बनने को तैयार नहीं। वैष्णव ये नहीं, वैष्णव कौन है? पर दुखी उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आ रही है, उसके मन में अभिमान नहीं आता। नारायण दो वस्तु को दीजे तुरत विसार, नारायण दो वस्तु को दीजे तुरत विसार, करी बुराई और की आप किए उपकार, आप किए उपकार। नारायण स्वामी हुए हमारे ब्रज में संत, उन्होंने लिखा भैया दो बातों को भुला दो। बोले क्या? जिसने तुम्हें दुख दिया है उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर आप उसको याद रखोगे तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। बोलो राधे राधे, श्री राधे। देखिए एक बात बहुत प्रैक्टिकल आपको बता दूं, जितना हम दूसरे की बुराई याद रखते हैं उतने किसी ने हमारे साथ अच्छा किया ये याद नहीं रखते। पानी का स्वभाव है कि नीचे की ओर जाएगा, ऐसे ही हमारी चित्त वृत्ति अनंत काल से ऐसी भटकी हुई है कि हम केवल बुराई की ओर अट्रैक्ट होते, उसी को याद रखते हैं, अच्छाई किसने क्या की भूल जाते हैं। तो भैया करी बुराई और ने, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भुला दो, भूल जाओ, समय गया। एक कहावत है आप लोग याद रखते होंगे,
रात गई और बात गई, गई। किंतु कहने तक ही सीमित है। रात तो बहुत चली गई किंतु बात नहीं जाती है। बहुत चतुर है ना हमारा, बोलो राधे 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 राधे। केवल सुनिए मत, अब सत्संग केवल सुनने का समय नहीं रह गया है, अब सत्संग को जीना प्रारंभ करिए, वो समय आ गया। यदि केवल सत्संग को सुनेंगे सुनेंगे और जिएंगे नहीं, तो याद रखिए अगली जो जनरेशन है, यूथ है, ये हमारे आपके सत्संग में आने वाली नहीं। क्यों? वो यही तो सोचेंगे, जब इनमें ही कुछ बदलाव नहीं आए, चेंजेस नहीं आए, तो हमारे अंदर क्या चेंज आने वाला है भला? हमारा क्या बदलाव होगा? हमें क्या मिल जाएगा? अब जीवन को, सत्संग को जीना प्रारंभ करिए। आइए, वैष्णव ने क्या कहा? वैष्णव ने कहा कि भैया वो मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे ठाकुर जी को रख लो। जैसे कहा ना, जैसी मूरत जैसे मन में भाव वैसे ठाकुर जी प्रकट हो जाए। तो वैष्णव ने कहा कि मेरे ठाकुर जी को रख। अब जो वैष्णव थी उसके मदन मोहन जी थे, बड़े ठाकुर जी थे। अब उसने सोचा, वो तो वैष्णव चला गया, अपने ठाकुर जी को देखा, अब उसने देखा कि ठाकुर जी लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल के पैर पीछे को होते हैं, एक हाथ मुड़ा रहता है, एक हाथ लड्डू लिए रहता है। अब वो जो वैष्णव थी, उस बुढ़िया मैया ने सोचा, अरे ये कैसा वैष्णव है, अपने ठाकुर जी को खिलाता नहीं पिलाता नहीं, ठंडी का मौसम है, लगता है इसके ठाकुर जी को ठंड लगी है और हाथ पैर सुकुड़ गए इसके। देखो भावना की बात है। उसने क्या किया, रोज तेल गरम गरम तेल करें और जड़ी बूटी डालें और ठाकुर जी की मालिश करना शुरू किया। रोज ठाकुर जी को एक घंटे तक रगड़े, बोले कैसे भी इनका शरीर स्वस्थ हो जाए, ये बढ़िया हो जाए, ये पहले की तरह खड़े हो जाए। अब महाराज मालिश की, 40 दिन की यात्रा होती है, 40 डेज की। वो वैष्णव 40 डेज में यात्रा करके और जब लौट करके आया, उसने आकर कहा कि मैया मेरे ठाकुर जी दे दो मुझे, वो ले जा भैया। अब वो जब के ले जा तो वैष्णव देखे, बोले ये मेरे ठाकुर जी नहीं है। बोले अरे कैसा बाबरा है रे, तेरी ठाकुर जी है, तू देखे गया? बोले ऐसे कैसे दे, मेरे ठाकुर जी हो नहीं सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? बोले मैं जो देखे गया था उनके तो हाथ पर मुड़े हुए थे। बोले बाबरे तू अपने ठाकुर जी की कैसी सेवा करता है, ठंड के मौसम में तेल नहीं लगाता, हाथ पर सुकड़ गए बेचारे, ठंड लग के। पता है मैंने कितनी मालिश की है, देख मेरे हाथ कैसे हो गए, इतनी मालिश की है तब जाके हाथ पर सीधे हुए इनके। हमारा जो वैष्णव माने नहीं, ये मेरे ठाकुर जी नहीं है, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल है। अरे वही लड्डू गोपाल है, अच्छे हो गए, देख खिलाया पिलाया बढ़िया, मालिश वालिश की, कितने स्वस्थ हो गए, आराम से खड़े। वैष्णव माने नहीं और ये बोले तेरे लेके जा। बोले मैं नहीं लेके जाऊंगा, मेरे तूने छुपा लिए, तू चोर है। अरे बोले अरे होम करते हाथ जल रहा है, हमने अच्छा किया बुराई मिल रही है। वैष्णव ने कहा चलो गुसाई जी महाराज के पास गए। महाराज और श्री गुसाई जी महाराज के पास जब पहुंचे तो बात सामने रखी गई। बोले महाराज मैंने इसको अपने ठाकुर जी दिए लड्डू गोपाल और ये अब लौटा नहीं रही है, बड़ी चोर है ये, इसका इस लगता है लोभ आ गया, क्योंकि मेरे जो लड्डू गोपाल थे वो पंच धातु के और उसमें भी हमारा स्वर्ण जाता था, इसे लोभ आ गया। वो बुढ़िया बोली महाराज इस को कैसे समझाऊं, ये अपने ठाकुर जी की सेवा करता ही नहीं था, उनके तो हाथ पैर सुकुड़ गए थे और महाराज पीछे को पैर मुड़ गए थे, ना ये तेल लगावे ना ये भोग लगावे, ना मुझे लगता है इससे सेवा, ऐसे व्यक्ति को आप दिया ही मत करो सेवा। गुसाई जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले एक काम करो, इसका निर्णय ठाकुर जी के पास ही ले जाओ। दोनों ठाकुर जी लाए गए, उनके मदन मोहन जी और इसके लड्डू गोपाल। दोनों ठाकुर जी लाए गए और गुसाई जी महाराज सामने पधराए गए। बोले देखो इनसे ही प्रार्थना करो कि मेरे वाले जो ठाकुर जी है वो मेरे छवड़िया में आ जाओ, मेरी झांपी में आ जाओ।
तो महाराज जैसे ही प्रार्थना करी, मेरे ठाकुर जी मेरी झांपी जी में आ जाओ, तो वो जो ठाकुर जी जो उसने मालिश कर करके बड़े कर दिए थे, वो लड्डू गोपाल के रूप में उनकी झांपी में बैठ गए। बोलो लड्डू गोपाल भगवान की जय। अब गुसाई जी बोले, भैया तुम समझे? बोले समझ नहीं पा रहा हूं, ये खड़े थे ये बैठ क्यों गए? बोले ले, जब खड़े थे तब परेशानी, ये खड़े क्यों हो गए? अब बैठ गए तो परेशानी, बैठ क्यों गए? अरे भैया ये भावना की बात है, तुम श्रद्धा को समझो, ये वैष्णव है, इसकी भावना कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, किसकी भावना को स्वीकार करके लड्डू गोपाल भी महाराज खड़े हो गए। कहने का मतलब, ठाकुर सब जगह विद्यमान है, हमारे आपके भीतर भी रहता है, बाहर भी रहता है, बशर्ते हम अनुभव करने लग जाएं कि वो भीतर भी है और बाहर भी है। यदि करने लग जाएंगे तो विश्वास बढ़ जाएगा। और याद रखिए, शास्त्र कहता है विश्वासम फलदायकम, विश्वास फल को प्रदान करता है।